हैं, जो असिस्टेंट क्लास है वो सिर्फ असिस्टेंट ही कर सकती है, जो कि माइनस वन है, प्लस वन नहीं हो सकती। अब आप कहते हो कि भाई वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बिल्कुल वो मोटिवेट उन हरिजनों को करता है, उन दरिजनों को करता है और उन पिछड़ों को करता है जो उसकी वीडियो देखते हैं और पैसे लगाते हैं। और मेरे जैसा आदमी हो ना तो मैं बता दूं कि इसकी खाल उतार के आज भी हम जूते बना देंगे। ये दलित खाल उतारने की जूतों की बात क्यों कर रहे हैं विवेक बिंद्रा को लेकर? देखिए विवेक बिंद्रा की जो सोच है ना वो लगता है कि हम असिस्टेंट क्लास है। अबे डूब मर प्रधानमंत्री भी पिछड़ा कहता है अपने आप को। अरे ढोल गवा शूद्र पशुनारी जो कहते थे आज वो उन्हीं के चरणों में पड़े हुए हैं। चाहे करुणानिधि देख लो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी देख लो, चाहे लालू यादव देख लो, चाहे तेजस्वी यादव देख लो, चाहे कोई भी देख लो, तो ये सभी जिनको शूद्र कहते हैं। मैं एक बात आपके चैनल के बच्चे से बता दूं कि इस जातिवादी स्पीकर ने शूद्रों को टारगेट किया, छूतों को नहीं किया। अगर छूतों को करता, अनुसूचित जाति को करता, तो इसके खाल निकाल के जूते बना के इसके गले में पहना के इसका मोटिवेशनल सब निकाल देते। परंतु ये तो समाज वो है जो आज भी संविधान में विश्वास रखता है। भला हो इन जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जो इन जैसे भांडों को भी, जो भांड जो मांगकर बोलकर खाने वाले लोग हैं, इनको भी कमाना सिखा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों को वर्चुअल मीडिया के माध्यम से जवाब देना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे लोगों के पास आज पैर में जूती भी नहीं है, तो वर्चुअल उनकी रीच कम है। इन जैसे लोगों को तुरंत ब्लॉक करें, इनकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करें और इनके वीडियो को सबको रिपोर्ट करें, तब जाके इनकी औकात पता लगेगी। हमारा खाते हैं, हमें ही भोगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जैसे जो अपने आप को कहते हैं मोटिवेशनल, इन्हें जूतों की माला पहना के गलियों में नंगा करके घुमाना चाहिए, तब पता लगेगा कितने मोटिवेशनल है। लगभग लाखों लोगों के करोड़ों रुपए खा गया ये, ठीक है। पत्नी को इसने मारा, और सबसे बड़ी बात जो इसके समर्थक है वो इससे ये सीखते हैं कि पत्नी के कान का पर्दा कैसे फाड़ा जाए, कैसे SC ST OBC और गरीब लोगों का पैसा खाया जाए और ठगा जाए। परंतु मैं बता दूं ये बिंद्रा एक नहीं है, इसकी जैसी एक पूरी जमात है जिन्हें चीप पब्लिसिटी के लिए रिजर्वेशन को टारगेट करना पड़ता है। वो तो क्लास समझा रहे थे ना, क्लास कि ब्राह्मण जो होता है सब श्रेष्ठ होता है। देखिए क्लास बता रहे। अरे तो क्लास का सबसे पहले तो तू खुद पालन तो कर ले क्लास का, क्योंकि ब्राह्मण का ही धर्म है प्रवचन देना। तो अगर तू ही प्रवचन दे रहा है और ब्राह्मण का काम छीन रहा है, और जिस वर्ग से या जिस वर्ण से तू आता है उसका तो एक काम ही नहीं है, उसका काम तो सेवा करना है ब्राह्मणों की, तो तू भी अपना राजपाट त्याग करके किसी बढ़िया से ब्राह्मण संस्था को देके तू भी वहां संन्यास पे निकल जाए। क्योंकि वर्ण आश्रम के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण सर्वोच्च है, और ब्राह्मण की नजरों में क्षत्रिय वैश्य शूद्र और छूत सभी अनटचेबल है। देखिए जो उनकी असिस्टेंट की जो बात है कि वो असिस्ट करता है, मैंने बताया कि कुत्तों के भोगने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आज ये दलितों को या SCO को जो असिस्टेंट क्लास को ये कहते हैं कि असिस्ट करेंगे, तो मैं बता दूं इसको बर्बाद होने का कारण भी ये असिस्टेंट क्लास ही बनेगी, जिसे कहता माइनस वन, इसका माइनस वन करके प्लस वन ये समाज ही करेगा। इसका शासक बनने पर शूद्र का कहना है, इन्हें वही तो इन्हें हजम नहीं होता ना, इन्हें नहीं दिखता प्रधानमंत्री मोदी, नहीं दिखता इनको बैंक मारी मायावती, नहीं दिखती इनको जो है लालू यादव, नहीं दिखता इनको मुलायम सिंह यादव, नहीं दिखता इनको करुणानिधि, नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात यह है उन्हीं के चरणों में जाकर ये चाटते हैं और फिर भोगते हैं। इतिहास में पढ़ा विवेक बिंद्रा, नहीं नहीं इनकी तो खून में है ना, इनके वर्ण व्यवस्था खून में है, इसके क्या इसके बाप के खून में यही बात है कि इतिहास इन्हें लगता है कि ये जो शूद्र है असिस्टेंट क्लास होगी, इन्हें पता नहीं है कि जो इतिहास तुमने लिखा है तुम्हारी, तो तुम्हारे आने वाली 7 पुरखों का इतिहास हम बदल देंगे अगर अपनी पर आ गए। उन्हें नहीं पता, उन्हें तो किसी कुत्ते बिल्ली का इतिहास पता है। ये जो है शेर की खाल में बैठे हुए वो कुत्ते हैं जो अपने आप को शेर साबित करना चाहते हैं। इतिहास तो इन्हें एक मिनट में बता देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ओपन मंच पे आ जाए, जहां जिस भी मंच पे आएगा उस मंच पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुझे बता दूंगा कि असिस्टेंट क्लास क्या है और तेरी क्लास क्या है और तेरी खुद की औकात क्या है। जो तू हमारे ऊपर अगर टारगेट कर रहा है तो मैं बता दूं कि कोई ये इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, सिर्फ चीप पब्लिसिटी है। ऐसे लोगों को थोप दी भी है ज्यादा समाज को, नहीं इसमें, नहीं नहीं इसमें हमारे लोगों की ज्यादा गलती है, इस बहुजन समाज की ज्यादा गलती है। क्योंकि कोई भी कुत्ता बिल्ली कुकुर मुत्ता भोगता है तो हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है मीडिया का हथियार है, मोबाइल है, वर्चुअल है। हमें कुछ नहीं करना, इनकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करना है, इनके यूट्यूब चैनल को बर्बाद करना है और इनके खिलाफ जो भी ये
ठगी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ शिकायतें करें। तो क्या आप एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, कोई केस भी हो सकता है इनका? नहीं, बिल्कुल इस पर डिफामेशन का केस हो सकता है, इसके ऊपर एससी एसटी के अंदर में मुकदमा दर्ज हो सकता है, इस पर मानहानि पूरे भारत में हो सकती है। परंतु इसने किसको कहा है? शूद्रों को कहा है। शूद्र कौन जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं? ओबीसी वो जो धर्म का झंडा उठाते हैं। अगर ये कहे ना अनटचेबल्स को, अनुसूचित जाति को, तो हम इसे बता रहे कितने बिस्से की साठ है और कितने इसके रगों में क्या खून है वो हम बता देंगे। लोग कह रहे हैं जब से धीरेन्द्र शास्त्री के संपर्क में गए हैं इनका संतुलन खराब हो गया है। नहीं नहीं, वो देखिए, वो धीरेन्द्र शास्त्री तो सबको खा जाएंगे, अंत में खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। जो भी उनकी शरण में जाएगा वो बर्बाद होकर ही निकलेगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का भी समय अब आना शुरू हो गया है। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? नहीं नहीं, ये जातिगत संतुलन है, मानसिक संतुलन नहीं है। इनकी जो रगों का खून है ना वो गंदा है, वो खून इनका बदलना पड़ेगा और बहुत जल्दी बदला जाएगा। तो बड़े बिजनेस की क्लास देते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाते हैं लोगों को। अरे ये मैं आपके चैनल के माध्यम से वो शब्द यूज नहीं करना चाहता, ये सी बनाते हैं लोगों को और कुछ नहीं बनाते। जो इनके झांसे में फंस जाए उसे खा जाते हैं और बाकी को कहते हैं कि हमने एंटरप्रेन्योर बना दिया। अरे तुम इतने एंटरप्रेन्योर बनाने वाली बात है तो तुम कहाँ टिकते हो इंटरनेशनल लेवल पे? कहाँ, कौन से विशेष अंग में घुस जाती है तुम्हारी मेरिट? तुम्हें अगर तुम कहते हो तो मार्क जुकरबर्ग की टक्कर लेके देख लो, उसकी टेस्ला वाले की टक्कर लेके देख लो। तो इनका जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के माध्यम से पनपने वाले कुत्ते हैं जो हमारे टैक्स का खाते हैं और हमारे टैक्स पे बलते हैं और हमारे ही समाज को ये गलत बताते हैं। शूद्रों को क्या करना चाहिए? देखिए शूद्र, देखिए अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आप, शूद्रों को क्या करना चाहिए या अछूतों को क्या करना ही चाहिए? अनटचेबल जो अनुसूचित जाति है वो बिल्कुल सही मिशन पे है। शूद्र जब तक इनके जैसे बाबाओं का, इनके जैसे प्रवचनकर्ताओं का और इनको जो प्रमोट कर रहे हैं उनका बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक उनके साथ ये लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे लोगों की तो पूजा होती है देश में? नहीं, पूजा वही हो रही है ना। पहले आसाराम को गुरु बनाएंगे, फिर राम रहीम को बनाएंगे, फिर ये इस बाबा शास्त्री को बनाएंगे। इसका भाई भी अनुसूचित जाति के मामले में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी अनुसूचित जाति के बारे में उल्टी सीधी बोलता है। तो जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग शायद आज भी उस विचारधारा से बाहर नहीं निकला है जिस विचारधारा के पोषक है। पर क्या पता उनकी मनसा ऐसी ना हो। किसकी मनसा? वो एक वर्ण व्यवस्था जो व्यवस्था पहले थे उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ देखिए, वो वर्ण व्यवस्था तो यही है ना कि जब संबुक पड़ेगा तो संबुक पड़ाएगा तो उसका गला काट देंगे, एकलव्य सीखेगा तो उसका अंगूठा काट देंगे। पर आज भारत का संविधान है जिन्होंने इनका न केवल इनके सपने मार दिए बल्कि इनकी सोच भी मार दी। लेकिन सर ये जो लल्लन टॉप है, ये ऐसे लोगों को क्यों बैठा था आपने मंच? नहीं देखिए, वो तो लल्लन टॉप हो या कोई सा भी टॉप हो, इन सभी का एक उद्देश्य है किसी भी प्रकार से डार्कली जो है अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा करे। और जो व्यक्ति कोई कंट्रोवर्शियल बयान देता है ये उसी को प्रमोट करते हैं। इसमें लल्लन टॉप ही नहीं, बहुत सारी वेबसाइट और न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो कि भारत के बहुजन वर्ग को टारगेट करते हैं। अभी तरुण सिंह ने भी कहा था कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए आप ये मानिए, सावकाशी राम का एक स्टेटमेंट है कि आपका समाज चाहे मजबूत हो ना हो, वो लोग सभी मजबूत हो जाते हैं। हमें इन लोगों का जो इलाज है वो वर्चुअल माध्यम से ही करना पड़ेगा और इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। आपका समाज कभी रिजर्वेशन के नाम पर एक नहीं होगा। आज ये देखिए कि आज भी वो समय है जब एससी रिजर्वेशन का जो बिल है वो संसद के अंदर ओबीसी कम्युनिटी के पार्टी का सांसद फाड़ता है। अच्छा, इसका पत्नी से विवाद चल रहा है, दो पत्नियां इसकी रही हैं, एक का तलाक हो रहा है, दूसरी का अभी इसने 8 दिन पहले शादी करी थी उसकी मापटाई कर दी, उस पर फायर हो गई है। हाँ देखिए, वो जो है अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इसका पता लग गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो आशीर्वाद है वो काम कर रहा है और ये बर्बादी की तरफ अग्रसर है। क्योंकि सवाल सिर्फ उसकी पत्नी का ही नहीं बल्कि सवाल जो इसके साथ एक महेश्वरी है उसने भी इसकी पोल पट्टी खोली है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसकी सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। क्या नारी विरोधी है ये? नारी विरोधी, बहुजन विरोधी, संविधान विरोधी, एससी विरोधी, एसटी विरोधी और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया विरोधी आदमी है। सर कथा वाली पे बोल दो, कथा में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।